मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज द फॉलोइंग हमने चैप्टर थ्री स्टार्ट किया हुआ था आज इसका है regroup the following. इसको हम मैथ्स के बुक में से पहले में से क्लियर करेंगे फिर पेज नंबर थर्टी नाइन देखो आपको दिया हुआ थ्री टेंसटीन वंस थ्री टाइम्स मीन्स होता है थर्टी ये थ्री बंडल हमें गिवन है एक बंडल में टेन स्टिक्स हैं तो टेन ट्वेंटी थर्टी टोटल कितनी स्टिक्स हो गई थर्टी थर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री टेंस टेंस का मतलब क्या होता है टेन थ्री को टेन से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा थ्री ट्री ट्सर थर्टी जो ये लूज स्टिक्स हैं ये हमारे पास सिक्सटीन है कितनी है सिक्सटीन तो सिक्सटीन क्या हो गया हम वंस अब वो कह रहा है थ्री टेंस और सिक्सटीन वंस को हम कैसे लिख सकते हैं सेम यहाँ फोर बंडल हो गई आपको दिख रहे हैं फोर बंडल और ईच बंडल में ईच मीन्स हर एक बंडल में टेन स्टिक्स हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी टोटल स्टिक्स कितनी हो गई फोर्टी फोर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं फोर टेंस लिख सकते हो ना कि टेंस का मतलब क्या होता है टेन और फोर को टें से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्टी ही आ जाएगा लूज टिक्स हमें कितनी गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लूज स्टिक्स कितनी गिवन है सिक्स तो देखो उसने बोला था थ्री टैंस सिक्सटीन वंस को हम कैसे लिख सकते हैं फोर टेंस सिक्स वंस अब आपको क्लियर और भी मेथड से कराती हूँ ये सिक्सटीन है इसके पीछे क्या लिख दो वंस और ये क्या है टेंस और ये क्या है टेंस वंस को वंस में ऐड करो सिक्स टेंस को टेंस में थ्री और वन फोर तो हम थ्री टेंस सिक्सटीन वंस को लिख सकते हैं फोर टेंस सिक्स वंस ठीक है अब नोटबुक में भी क्लियर करते हैं नोटबुक में दिया हुआ है थ्री टेंस सिक्सटीन वंस ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बुक में किया है इज द सेम एज कैसे लिख सकते हो सेम यही इसके ऊपर क्या लिख दो वंश उसके प्लेस बता दो इसके ऊपर क्या लिख दो टेंस और ये क्या है टेंस तो वंस को वंस के बॉक्स में टेंस को टेंस के बॉक्स में वंस Six ones. क्या है थ्री और वन फोर सेम आंसर आ गया क्लियर हो गया आपको अब करते हैं सॉरी सेकेंड पार्ट अब देखो फोर टेन्स फिफ्टीन इज द एज फोर टेंस और फिफ्टीन को कैसे लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर फोर टेंस मतलब ईच बंडल में टेन है तो टोटल कितनी हो गए टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर टेंस मतलब फोर को टेंस मतलब टेंस से मल्टीप्लाई करो तो फोर को अगर हम टेंस मतलब टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फोर्टी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर टेंस लिखो या फोर्टी लिखो सेम मीनिंग निकलता है ये लूज स्टिक्स हमारे पास कितनी है फिफ्टीन फिफ्टीन वंस इज द सेम एज कैसे राइट कर सक कैसे राइट कर सकते हो इसको टेंस वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बंडल हैं और ईच बंडल में टेंस स्टिक्स है तो कितने बंडल्स हो गए कितनी स्टिक्स हो गए फिफ्टी फिफ्टी को कैसे लिखते हो फाइव टेंस फिफ्टी तो फाइव टेंस भी लिख सकते हैं लूज स्टिक्स कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वंस और अब देखो कैसे लिख क्लियर हो जाएगा अगर इसके ऊपर आप लिख देते हो वंस इसके ऊपर लिख देते हो टेंस तो वंस तो ओनली फाइव है तो लिखो फाइव टेंस कितना है फोर और वन फाइव ऐसे भी आपको क्लियर होगा अब नोटबुक में करते हैं ये वो सेकंड पार्ट है जिसकी अभी आपने बुक में पिक देखी थी जिसकी पिक्चर देखी थी फोर टेंस फिफ्टीन वंस को कैसे लिख सकते हो ये वंस है ये क्या है टेंस और ये क्या है टेंस वंस तो ओनली वंस है इसका कोई और पार्ट नहीं है इधर तो फाइव वंस के बॉक्स में क्या लिख दोगे फाइव और टेंस के बॉक्स में फोर और वन फाइव नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं फोर्टीन वंस दिया हुआ हम इसको कैसे कर सकते हैं पीछे वाला क्या होता है फोर्टीन वंस में क्या क्या ऐड है कितने टेंस है कितने वंस है हमें ये देखना है तो ये क्या है वंस इसके प्लेस वोल्यू देखो इसके प्लेस वोल्यूस इसके ऊपर लिख दो तो ये क्या है टेंस तो वंस क्या है फोर टेंस क्या है वन मतलब टेन प्लस फोर मिलकर फोरटीन बनते हैं मतलब टेन प्लस फोर मिलकर क्या बनते हैं फोर्टीन वंस ऐसा फिफ्टीन वंस देखते हैं पहले प्लेस लोकेट कर दो वंस वंस क्या है फाइव टेंस क्या है वन वन को टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन वंस अब थर्टी सिक्स वंस कैसे करोगे ंस टेंस पहले वाले three. Means, three तो प्लेस वाले लिखो वंस क्या है सिक्स टेंस क्या है थ्री मीन्स थ्री को टें से मल्टीप्लाई करोगे थर्टी थर्टी प्लस सिक्स थर्टी सिक्स वंस टू टेंस फोर्टीन वंस टू टेंस पहले इस पर तो प्लेस वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि इसका बताया हुआ हमें ये टेंस है इसके ऊपर लिखो वंस टेंस वन्स तो ओनली फोर है वंस के बॉक्स में लिख दो फोर टेंस क्या है टू टेंस और वन थ्री टू और वन थ्री देखो टू टेंस अगर आप इसको ध्यान से देखो टू टेंस मींस टेन तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी और ये क्या है प्लस फोर्टीन अगर हम ट्वेंटी प्लस फोरटीन को अगर हम प्लस करेंगे ट्वेंटी और फोरटीन को प्लस करके देखो वंस टेंस वंस टेंस फोर को जीरो में ऐड करोगे तो फोर ही आएगा और वन को टू में ऐड करोगे तो क्या आएगा थ्री मीन्स टेंस को टेंस में ऐड करोगे तो क्या आएगा थ्री थर्टी फोर थर्टी फोर टू टेंस प्लस फोर्टीन वंस किसके बराबर है थ्री tens फोर वंस अगर आप इसको ध्यान से देखोगे थ्री को टेंस टेन्स से मल्टीप्लाई कर दो थ्री टेन जा थर्टी थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर ठीक है नेक्स्ट वन इज सेवन टेंस सिक्सटीन वंस सेम ऐसे यहां करना है यहां क्या लिखोगे सेवन tens सिक्सटीन वंस यहां क्या लिखोगे ones यहाँ क्या लिखोगे टेंस वंश के बॉक्स में क्या जाएगा सिक्स का इधर कोई भी पार्ट नहीं है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी प्लेस वैल्यू वंश पे हो टेंस और टेंस सेवन और वन एट अगर आप इसे ध्यान से देखो सेवन टेंस सेवन टेंस सेवनटी सेवनटी प्लस सिक्सटीन होते हैं एट्टी सिक्स सेवेंटी प्लस सिक्सटीन अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा एटी सिक्स टू टैंस एटीन वंस सेम प्लेस पर लिखो वंस ये क्या आएगा ये तो टेंस ही है Once के में क्या लिख दो एट टू और थ्री क्या हो गए टेंस देखो टू tens टेंस का मतलब टेंस टू टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी में अगर आप एटीन करोगे ट्वेंटी में एटीन प्लस करोगे तो थर्टी एट ही आएगा थ्री एट थर्टी एट एड एंड रीग्रुप हमें ऐड करने हैं ये कैरी वाले सम्स हैं कौन से सम्स है एडिशन के कैरी वाले थ्री और एट को हमने क्या करना है ऐड पहले फिंगर पे क्या ले लो थ्री वन टू थ्री फिर क्या ले लो एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कहाँ स्टॉप हुआ यहाँ काउंट करो इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन क्या हो गया इलेवन अब इलेवन इलेवन हमारा जो क्या आया हमारा टोटल कर कर इलेवन पहले यहाँ लिखो वंस अगर आप इसको ध्यान से देखते हो ये इलेवन है तो मतलब ये भी वंस और टेंस है वंश वाला लिखो पीछे वाला यहाँ टेंथ वाला टेंस में ऐड करेंगे टेंस वाला कहाँ ऐड करेंगे टेंस में तो इस वन को यहाँ लिख दो ताकि हम इसको कहाँ ऐड करें यहाँ पे ये वाला कहाँ जाएगा टेंथ के पास इसको यहाँ पे रख दो टेंथ में हम इसको ऐड करेंगे अब करोगे टू और फोर को ऐड वन टू फिर फोर वन टू थ्री फोर टोटल कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने हो गए सिक्स एक हमें यहाँ से ऐड करना था सिक्स और वन सेवन सिक्स और वन सेवन नेक्स्ट वन देखो एट एंड नाइन को प्लस करना है एट एंड नाइन मतलब हमें टू हैंड्स चाहिए क्योंकि तो इतने सारे नंबर वन वन हैंड पे तो नहीं आ सकते तो हम इसको कैसे कर सकते हैं एट तो ये है एट के बाद नाइन और काउंट कर दो एट तो हमारे पास है ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एट तो हमारे पास है अब नाइन उसके बाद और ऐड कर दो एट के बाद क्या आता है टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट तो हमारे पास थे नाइन स्टेप और ऐड कर दे मतलब नाइन नंबर हमने और ऐड कर दिया तो कितने हो गए सेवनटीन तो सेवनटीन यहाँ लिखो ये क्या है वंश और ये क्या है टेंस वंश का वंश में ऐड करो पीछे क्या आएगा फिर यहाँ पे सेवन वाली लाइन में लिखो वन अब टू और सिक्स को ऐड करो टू और सिक्स ये तो हमारे हैंड पे आ जाएंगे एक सिंगल हैंड पे नहीं तो दूसरे जिस तरह से हमने इसको ऐड किया हम इसको भी ऐड कर सकते टू तो हमारे पास है टू में सिक्स और ऐड कर दो कितने ऐड कर दो सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर यहाँ तक आता है टू तो है टू में सिक्स और ऐड कर दो टू तो है ही टू के बाद क्या आएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जब हमने टू में सिक्स और ऐड करे तो क्या आया एट और एक हमें यहां से ऐड करना था एट और वन नाइन ये सम्स आपको कल होमवर्क में करके लाने हैं ये सम्स मैं आपको अभी समझा रही हूं आप केयरफुली सुनो थ्री फाइव सिक्स अब हमें इन दो इन तीनों को क्या करना है प्लस पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे थ्री तो ये है हमें थ्री में कितने और प्लस करने हैं फाइव कितने प्लस करने हैं फाइव वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स थ्री में कितने नंबर और प्लस करने हैं फाइव थ्री के थ्री तो ये है थ्री के बाद क्या आता है फोर फाइव सिक्स सेवन एट मीन्स यहां तक क्या आ गया हमारा एट इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया एट एट में सिक्स और प्लस कर दो सिक्स नंबर और प्लस कर दो एट के में सिक्स नंबर सिक्स नंबर काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट में सिक्स काउंट करेंगे Eight के बाद क्या क्या आता है Nine, ten, 11, 12, 13, 14. Means क्या आएगा हमारा टोटल? 14. यहां भी वंस और टेंस लिखो वंस पे क्या है फोर टेंस पे वन जो यहां जाकर ऐड हो जाएगा अगर आप इनको ध्यान से देखो वन और वन क्या होते हैं टू टू में टू प्लस करोगे क्या हो जाएगा टू में टू प्लस करोगे टू तो है टू में टू प्लस और कर दो टू के बाद क्या आता है थ्री फोर और एक पीछे ऊपर से ये कैरी कितने हो गए फाइव नेक्स्ट वन इज फोर टू सिक्स मतलब फोर टू को ऐड करना है फिर जो नंबर आएगा उसको किस में ऐड करना है सिक्स में पहले फोर और टू ध्यान से देखो फोर में अगर टू को ऐड करोगे तो क्या आता है फोर के बाद टू स्टेप्स और टू नंबर और हमें चाहिए फाइव सिक्स सिक्स में अब इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया सिक्स सिक्स में सिक्स और ऐड कर दो कितने और ऐड कर दो सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स किस में सिक्स करने थे इन दोनों को प्लस कर कर भी सिक्स ही आया था सिक्स में सिक्स और ऐड कर दो सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कितने आ जाएंगे हमारे पास अब ट्वेल्व तो लिख दो वंस यहां लिख दो टेंस टू यहां पर वंस वाली जगह पे वन्स और टेंस परि में। फाइव में टू प्लस करो फाइव में टू फाइव के बाद क्या आता है सिक्स सेवन और उसमें फिर वन प्लस कर दो सेवन और वन एट एट और वन नाइन ये सम्स आपको होमवर्क में करने हैं और इसको केयरफुली करना है ठीक है थैंक यू